विदेश में नौकरी, लाखों की सैलरी, इंसेंटिव अलग से, रहना खाना मुफ्त। ये ऑफर अगर आपको मिलेगा तो इसे आप भी ठुकराएंगे नहीं। और ऐसे ही ऑफर को लूट लेने की होड़ इस वक्त देश में मची हुई है। देखिए, बड़ी तादाद में ये जो नई भर्ती निकली हुई है, इसके लिए जो युवा है वो दीवाने दिखाई दे रहे हैं। ऑफिसर्स के बाहर लंबी कतारें दिखाई दे रही है और सरकार खुद इंतजाम इसका कर रही है। काम बहुत ज्ञान वाला तो नहीं करना है, लेकिन राजमिस्त्री जैसे काम के लिए 1,37,000 रुपए प्रति महीने की पगार ये तय हुई है और समझौता हुआ है इसराइल के साथ। देखिए, इसराइल और हमास का युद्ध बड़े पैमाने पर अभी भी चल रहा है। अक्टूबर से ये युद्ध शुरू हुआ है, 7 अक्टूबर से, और अभी तक ये युद्ध चल रहा है। और यही वजह है कि इसराइल के अंदर जो काम करने वाले श्रमिक हैं, राजमिस्त्री हैं, उनकी भारी कमी हो गई है। बहुत से ऐसे लोग थे जो फिलिस्तीन से पहुंचने वाले थे नौकरी के लिए, उन्होंने आवेदन किया हुआ था इसराइल में, लेकिन अब उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसे में श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है इसराइल। भारत सरकार से फिर उसने दरखास्त की, ये कहा कि हमारे यहां तो लोगों की कमी है, अगर आपके यहां कुछ कुशल लोग हैं तो क्यों ना आप उनको इसराइल भेज दीजिए, हमें अच्छे कामगारों की जरूरत है। भारत सरकार ने इसराइल की इस बात को मान लिया है और बड़े पैमाने पर भारत से जो श्रमिक हैं वो अब इसराइल जा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जितेंद्र, बिहार के रहने वाले, उनसे हम आपको मिलवा भी देते हैं। फौज में भर्ती होना चाहते थे, इनका ये कहना है कि वो जो दौड़ लगाई जाती है ना फौज में भर्ती के लिए, वो एक बार दौड़ी भी इन्होंने, उसमें वो पास भी हो गए, लेकिन कुछ कारणों से फौज में भर्ती हो नहीं सके। देश की ये सेवा करना चाहते थे, वो मौका तो हाथ से निकल गया, लेकिन फिर उसके बाद राजमिस्त्री का काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब भारत में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा उनको पैसा मिल नहीं पाता है, मतलब तनख्वाह पगार बहुत ज्यादा उनकी है नहीं, कभी 10,000-15,000 बमुश्किल वो कमा पाते हैं। अब जबकि इसराइल जाने का उन्हें मौका मिला है, बहुत खुश वो हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं जितेंद्र, और उनका ये कहना है कि उम्मीद अब जगी है उनके मन में कि अच्छा पैसा भी मिलेगा, बच्चों को और अच्छी शिक्षा भी वो दे पाएंगे, और शायद जो तंगहाली चल रही है उससे कुछ निजात भी मिल पाएगी। तो वहाँ पे जिस कंपनी से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है, कौन सी कंपनी है? नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो कितना वर्षों तक वहाँ तक काम किया? लगभग 8 से 9 वर्ष तक। अब बाहर में, विदेश में भी हाँ, हो रहा है। इसराइल में हम गए थे अभी लखनऊ में NSDC के तहत, यानी कि इंटरव्यू देने, अब सिलेक्ट हो गए हैं और वहाँ से क्या बोलते हैं वो कागज़ भी आ गया है। अब हम लोग PCC करवाने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और मेडिकल भी करवा रहे हैं इस सदर हॉस्पिटल छपरा से। तो मतलब विदेश जाने की इच्छा है? हाँ। कितना मतलब आपको जॉब में कितना विदेश में मिलेगा पैसा, यहाँ से ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? यहाँ से तो जरूर ज़्यादा मिलेगा, वहाँ बोला गया है कि 1,38,000 के आसपास। देखिए, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 साल का मिनिमम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जा रहे हैं, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भी लोग हैं, और हर महीने 1,37,000 रुपया तो तनख्वाह बांधी गई है। कहा यह जा रहा है कि रहना खाना मुफ्त है, साइट पर जहां आप काम करने जाएंगे वहां तक ले जाने ले आने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो इतने सारे ऑफर मिल रहे हैं और जाहिर सी बात है पैसा भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो युवा है वो जाना चाहते हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, वहां पर जाकर टाइल्स लगाना या फिर सीमेंट लगाना, ये सारे काम करने होंगे, लेकिन हाँ, पैसा भारत से बहुत ज्यादा वहां पर मिलेगा। तो जितेंद्र की भी ऐसी कहानी है, अब उम्मीद उन्हें बंधी है कि जो गरीबी तंगहाली जिससे वो जूझ रहे थे अब उससे वो बाहर निकल पाएंगे। और जितेंद्र जैसे और भी तमाम लोग हैं, देखिए जितेंद्र तो बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से भी ये बताया जा रहा है 5,000 से ज्यादा श्रमिकों का चयन किया गया है और 3 साल का 5 साल का 8 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए इस काम के लिए, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बिहार के जितेंद्र के पास ऐसा सर्टिफिकेट था, पासपोर्ट होना जरूरी है, थोड़ी बहुत अगर अंग्रेजी आती हो तो फिर और भी बढ़िया हो जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ये सारी पात्रता होनी चाहिए और फिर उसके बाद अगर चयन हो गया तो इसराइल में मिनिमम 1 साल या फिर 3 साल 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम मिलने पर अच्छा खासा पैसा ऑफर हो रहा है युवाओं को।